लाहौर में कोरोना से एक और मरीज चल बसा। मरने वालों की तादाद 809 हो गई। 24 घंटे में मजीद 91 मरीज सामने आ गए हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 47,031 तक जा पहुंची है। पंजाब में भी 210 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। तादाद 91,901 हो गई है। मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में कोरोना वायरस के जो कंफर्म केसेज है इनकी तादाद में बदस्तूर जो कमी है ये देखने में आ रही है कि उससे 24 घंटों में पंजाब भर की बात करें तो 210 नए केस आने के बाद जो मजमूई तादाद है वो 91,901 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह शहर लाहौर में भी पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 91 जो नए केसेज हैं जो मरीज हैं वो सामने आए हैं, जबकि इसके साथ साथ ननकाना साहब में एक, सूर में एक, शेखपुरा में एक, रावलपिंडी में 23, अटक में 4, चकवाल में 2 और गुजरावाला में 5 केसेज सामने हैं। जबकि कोरोना वायरस से जामबाग अफराद की तादाद में भी वाजे तौर पर जो कमी है ये दिखने में आ रही है। पंजाब भर में 3 अफराद जामबाग हुए हैं जिसके बाद जो मजमूई तादाद है वो 2,116 तक पहुंच चुके, जबकि शहर लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 1 मरीज कोरोना वायरस से जामबाग हुआ है, जिसके बाद शहर लाहौर की जो मजमूई तादाद है वो 809 तक पहुंच चुकी है। जबकि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी तस्वूर तेजी से इजाफा जारी है और अब तक तकरीबन 81,253 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अभी तक मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, जिसके जो जो मरीज हैं इसमें कमी देखने में आ रही है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के जरिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। जी ठीक है, एहतियाती तदाबीर अपना कर ही कोरोना के दबाव को रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल।